नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समददार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। अब इस चर्चा को हम लोग अपॉर्चुनिटी से जोड़ देते हैं, तो जब हम इसको अपॉर्चुनिटी से जोड़ेंगे तो एक छोटी सी कहानी इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि एक अंग्रेज कंपनी ने दो अपने मार्केटिंग के सलाहकार लोगों को अफ्रीका के जंगलों में भेजा, एक घने जंगल में भेजा जहाँ पर काफ़ी आबादी थी। उन्होंने कहा कि जाइए आप देखिए, और यहाँ पे चप्पल और जूते सेल करने के लिए या फिर उसके मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वहाँ पर डेविड और वाल्टन, ये दो लोग गए। डेविड और वाल्टन दोनों ने अपनी अपनी सर्वे की, सारे जगह को घूमा और उसके बाद लौट आए। एक एक करके इंटरव्यू हुआ कि भाई क्या होने वाला है, वहाँ का काम कैसा है, ये पूछने के लिए डेविड को बुलाया गया। डेविड ने कहा कि अपने बॉस से, डेविड ने कहा, सर बहुत बेकार मार्केट है, वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर लोग कभी आज तक जूता पहने नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि जूते का ज़रूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चप्पल उन्होंने कभी नहीं पहना है, उनको समझाने में ही हमको आधा समय निकल जाएगा और बहुत तकलीफ हो जाएगी और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, कुल मिलाकर उस जगह पे जाना ही हमारा वेस्ट हो गया है और ये फेलियर प्रोजेक्ट होगा अगर हम लोग वहाँ पर जूते या चप्पल का काम लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद वाल्टन को बुलाया गया, वाल्टन को पूछा गया कि कैसा लगा। वाल्टन अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश था, उसने बोला कि सर मज़ा आ गया, ऐसे जगह पे आपने भेजा कि मेरा कैरियर भी यहाँ पे सेट हो जाएगा और इतना सेल मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, बोले कि सुपर पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके बॉस ने पूछा कि क्या बात है, आप कैसे बोल सकते हो कि पॉसिबिलिटीज़ है, बोले सर वहाँ पे किसी ने आज तक जूता देखा ही नहीं है, पहने ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि जूते का कंफर्ट क्या होता है, हमको सिर्फ एक महीने का एक्सपेंसेस हम लोग को बियर करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोले अच्छा कैसे, तो बोले कि हम उनको एक महीने के लिए एक उनके जो कबीले के सरदार और उनकी फैमिली और कुछ जानकार लोग जो दूसरे को रेकमेंड कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जूता चप्पल मुफ्त में देंगे और एक महीने बाद अगर हम लोग जाएंगे तो वो उस चीज़ के लिए वो और उनके परिवार अभ्यस्त हो जाएंगे और सारे कबीलों को, सारे लोगों को बताएंगे कि बॉस ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हम लोग को इन्वाइट करेंगे कि हमको ये सामान चाहिए ही चाहिए, ऐसे करके वो पूरे एरिया में हम लोग सबसे पहले ब्रांड या सबसे पहले कंपनी होंगे कि जो जाएंगे और अपना व्यापार फैलाएंगे, मनमाना रेट पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों एक ही काम था, दो लोग थे, अलग सोच थे, एक ने अपॉर्चुनिटी समझा और दूसरे ने प्रॉब्लम समझा, तो हम लोग को भी वाल्टन जैसा अपॉर्चुनिटी समझना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। अब हम आ जाते हैं कि हमारे कंट्री में कैश सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ग्लेशियर होता है, आपने देखा होगा कि बर्फ़ को अगर पानी में डालते हैं तो ऊपर 10% और नीचे 90% रहता है बर्फ़ का, वैसे ही हमारे देश में मैक्सिमम ये कहना चाहिए कि कम 50% से ज़्यादा बिजनेस ऐसा है जिसमें कैश बहुत ज़्यादा रोटेट होता है, जहाँ पे कैश मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है और लोगों को एक आदत पड़ चुकी है कैश हैंडल करने की। अब ये जो कैश वाली चीज़ें हैं उसके कारण वो बुक्स में नहीं आ पाती और बुक्स में नहीं आती तो फिर उस पर कोई टैक्स लगा नहीं पाती गवर्नमेंट। तो अब चीज़ों को उजागर करने की दृष्टि से इनकम टैक्स ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में आज से लगभग 5 साल पहले 6 साल पहले मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी कम टैक्स कलेक्शन होता था, जब सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन करने की बात कही जाती थी। इनकम के ऊपर टैक्स के कैलकुलेशन की बात करेंगे तो जिसने जो इनकम शो किया उस इनकम को बेस मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता था और वो टैक्स कैलकुलेशन और रिकवरी डिपार्टमेंट के लिए बहुत कम होती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय 90-95% कैश जो है वो कभी इनकम में दिखते नहीं थे और उस पर कोई टैक्सेस नहीं आते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतने सारे क्राइटेरियाज और पॉइंट्स बना रखे हैं और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशंस उनको कोलैबोरेट करके मिलते हैं जिसमें वो न सिर्फ इनकम बल्कि आपने खर्चा किया, आपका इनकम सपोज करिए 3 लाख रुपए, आपने एक्सपेंसेस 10 लाख कर लिया तो वो 7 लाख रुपए को भी आपका इनकम में जोड़ने का प्रोविजन उन लोगों ने लाया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रकम है, जो पैसे हैं, वो पैसे कहाँ से आए, ये सारी चीज़ों का भी पूरा हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
आपसे पूछती है, और ये पूछने के लिए उन लोगों ने अलग अलग वॉच डॉग बना कर रखे हुए हैं। ये वॉच डॉग कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ, छोटे मोटे एग्जाम्पल देता हूँ। आप मैक्सिमम जगह पे अपने ट्रांजेक्शन या लेन देन पे आधार को यूज करते हो। ये आधार कार्ड जो रहता है, इसकी लिंकिंग के कारण हर जगह पे आधार से रिलेटेड आपके इंफॉर्मेशन चले जाते हैं। पैन कार्ड, आप जमीन रजिस्ट्री करा लो या कोई भी काम कर लो, पैन कार्ड आपको जरूरत रहेगा। आपको सारे रजिस्ट्रेशन जो लेने हैं वहां पर भी पैन कार्ड की जरूरत रहेगी, आधार कार्ड की जरूरत रहेगी। बैंक में लेन देन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट बिना केवाईसी के बंद हो जाएगा। तो आप चारों तरफ से अपने इंफॉर्मेशन को आधार पैन से लिंक करते चले जा रहे हैं। आप जो भी लेन देन करते हैं वो मैक्सिमम जगह पे उसका इंफॉर्मेशन एक सर्टेन क्राइटेरिया को हिट करता है, तो इनकम टैक्स के पास वो एज ए टिप जाता है, और इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजता है कि ये ट्रांजेक्शन पे हम टैक्स लगाना चाहते हैं। और उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो फिर हम लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना दायरा इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि मतलब सोचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट, सारे अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग पेमेंट्स, बैंक के सिस्टम्स, बैंक के सॉफ्टवेयर, ये सारे जगह से कनेक्ट हो चुका है। सोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है, इसीलिए टैक्स कलेक्शन 10 गुना बढ़ गया है और पेनल्टी कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ब्याज तो आप सोच नहीं सकते, जो बैंक में ब्याज है उसका भी 2.5 गुना ब्याज आपको पेमेंट करना पड़ता है। कब? जब ये इनकम टैक्स का नोटिस या फिर उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको देने की बारी आती है। तो अपॉर्चुनिटी की बात मैं कर रहा था दोस्तों। अपॉर्चुनिटी ये है कि आज हम लोग वो सारे टैक्सेस, वो पेनल्टीज, वो ब्याज जो कि अपने अमाउंट के 1 गुना से 3 गुना तक होते हैं, प्लस वो जो ब्याज हैं वो बैंक के ब्याज से 2.5 गुना तक ज्यादा होते हैं, ये सारे ब्याज को हमको बचाने की अपॉर्चुनिटी है, ये सारे पेनल्टीज हमको बचाने की अपॉर्चुनिटी है, और अपने आप को बेस्ट साबित करने की अपॉर्चुनिटी है। बैंक्स हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनके सामने अगर हम लोग फेयर चलते हैं तो हर कोई हमको लोन देने के लिए, स्टार्टअप हमको फंडिंग करने के लिए, ग्राहक हमसे माल लेने के लिए, लोग हमारे गुडविल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम समय पर अपना रिटर्न भरे, समय पर हमारा ऑडिट हो, हमारे सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली मॉनिटर करें हम खुद, गवर्नमेंट नहीं, हम खुद मॉनिटर करें, ताकि हमको ब्याज और पेनल्टी और बाकी प्रॉब्लम्स को फेस बिल्कुल ना करना पड़े। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है और कहाँ कहाँ पर हमको पेनल्टी लगती है। हम निकल के जब आते हैं और फिर नोटिस आता है ना, तब हमारे पास ब्लेम गेम खेलने का पूरा स्कोप रहता है। आपने नहीं बताया, आपको ठीक से बताना चाहिए। इस सारे चीजों से हम बाहर आ जाते हैं। यार हमारी जिम्मेदारी है, हमारा बिजनेस है, हमारा टैक्स है, हमारा देश है।